हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि उनको महाराष्ट्र बोर्ड का एमएसटी सीईटी 2024 का जो सिलेबस है वो क्या है उसका उनको कोई अंदाजा नहीं है। तो जो आपका लास्ट ईयर का सिलेबस था एमएसटी सीईटी 2023 का सिलेबस, वही आपके 2024 के लिए भी है। ये सेम पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये आपको महाराष्ट्र के सीईटी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दूंगी, जो हमारा ज्ञान लैब का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, शॉर्ट में मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि आपका सीईटी का सिलेबस क्या है। जो सिलेबस 2023 के लिए था सेम सिलेबस 2024 के लिए है। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, फटाफट से वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपके सीईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्या नीट के बुक में से क्वेश्चन आता है? नहीं। क्या जेई के बुक में से क्वेश्चन आता है? नहीं। आपके सीईटी के क्वेश्चंस कहां से आते हैं? इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन योर स्टेट बोर्ड सिलेबस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, यानी कि SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग महाराष्ट्र। मतलब आपके HSC बोर्ड से ही आपका सीईटी का क्वेश्चन आता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ सबको? तो अपने मन से ये गलतफहमी और डर निकाल दो कि आपको नीट और जेई का भी पढ़ाई करना पड़ेगा सीईटी के लिए। दिस इज मिथ। सेकेंड पॉइंट, अप्रोक्सीमेटली आपका 20% का वेटेज क्लास 11th को दिया जाता है, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में से बायो के 4 चैप्टर्स आएंगे, फिजिक्स के 8 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के 8 चैप्टर्स, मैथ्स के 10 चैप्टर्स। तो ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आपके रेफरेंस बुक में बताए गए हैं कि मैथ्स में से कौन से चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में से कौन से, मैं वो भी बताने वाली हूँ, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो 20% वेटेज आपके क्लास 11th के सिलेबस को दिया जाता है। तो जो 11th के बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप अभी से अपनी सीईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको अपना टेक्स्ट बुक ऐसे घोट के पी लेना है। आपको एक एक लाइन पता होनी चाहिए कहाँ पे क्या है। उसके लिए आपको रट्टा नहीं मानना है, आपको थरो रीडिंग करनी है। वीडियो देखना है, रीड करना है, नोट्स बनाना है, वीडियो देखना है, रीड करना है, नोट्स बनाना है, और आप टारगेट की एमसीक्यू ट्रायम्फ पब्लिकेशन लेके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 20% वेटेज क्लास 11th के सिलेबस को दिया गया है और 80% वेटेज आपके क्लास 12th के सिलेबस में से आता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीईटी में, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा होता है, मतलब ऐसे एकदम पॉपुलर एग्जाम नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एमएसटी सीईटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर्स। एमएसटी सीईटी दो ग्रुप्स में होता है, एक पीसीएम एक पीसीबी। पीसीबी वाले बच्चे सिर्फ फार्मेसी के लिए एलिजिबल होते हैं, पीसीएम वाले बच्चे इंजीनियरिंग के लिए भी एलिजिबल होते हैं, फार्मेसी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन पीसीएम वाले बच्चों को फार्मेसी के लिए सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है, फार्मेसी के लिए पहली प्रायोरिटी पीसीबी वाले बच्चे को दी जाती है। ठीक है, ओके, अब आगे देखो क्या बताया। हाँ, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिए गए हैं, लेट्स सी। ओके, एमएसटी सीईटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन पेपर ऑफ एमसीक्यूज एंड ईच पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स, डिटेल्स आर गिवन बिलो। तो देखो यहाँ क्या बताया गया है, पहला मैथ्स 1, दूसरा फिजिक्स मैथ्स, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री, तीसरा बायो। ठीक है, अगर आप पीसीएम के कैटेगरी के हो तो आपका पेपर 200 मार्क्स का होगा, अगर आप पीसीबी के कैटेगरी के हो तो आपका पेपर 200 मार्क्स का होगा। यानी कि मैथ्स 100 मार्क्स का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के 100 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया पीसीएम। और अगर आप बायो वाले हो, पीसीएम पीसीबी वाले हो, तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सेम 100 मार्क्स का होगा, 50-50, और बायो 100 मार्क्स का होगा, यानी कि पीसीबी। तो अगर आप चाहो, अगर आपने 12th में पीसीएमबी सब्जेक्ट लिया है तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हो। पीसीएम का पैसा अलग से भरना पड़ेगा, पीसीबी का पैसा अलग से भरना पड़ेगा। पीसीएम का एग्जाम अलग दिन होता है, पीसीबी का एग्जाम अलग दिन होता है, और दोनों बार आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों बार अटेम्प्ट करना पड़ता है। मतलब समझो मेरा 10 तारीख को पीसीएम का पेपर है तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अटेम्प्ट करना है, 12 तारीख को पीसीबी का पेपर है तो उस दिन भी मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि मैम मैंने एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री दे दिया तो अब मेरा जब पीसीबी का पेपर होगा उस दिन मैं सिर्फ बायो का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा तो पहले वाले फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स काउंट होंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। कल खाना खाया था तो आज खाना नहीं खाओगे तो चलेगा क्या? नहीं ना, आज भी वापस खाना खाना पड़ेगा ना एनर्जी के लिए। सो पीसीएम का पेपर अलग 200 मार्क्स का होता है, पीसीबी का पेपर अलग 200 मार्क्स का होता है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्वेश्चंस का सिलेबस क्या है, कहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑन, हाँ ये देखो मार्क्स सिस्टम देख लो कैसा होता है। फिर अगर मैथमेटिक्स की बात करें
स्टैंडर्ड 11 में से 10 एमसीक्यूज आते हैं, एक एमसीक्यू 2 मार्क्स के लिए होता है, यानी 20 मार्क्स क्लास 11 से, 20% बोला है ना, और यहाँ पे 40 एमसीक्यू आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी 80 मार्क्स क्लास 12 से। फिजिक्स का पेपर सेम है, पीसीबी हो या पीसीएम हो, 10 एमसीक्यू क्लास 11 से आएंगे, एक मार्क का एक एमसीक्यू, यहाँ पे हो गए 10 मार्क्स, और यहाँ पे 40 एमसीक्यू क्लास 12 से आते हैं, तो ये हो गए 40 मार्क्स। यानी फिजिक्स का पेपर 50 मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री का पेपर भी सेम 50 मार्क्स का आता है, मैथ्स और बायो का पेपर 100-100 मार्क्स का आता है। बस फर्क क्या है, मैथ्स थोड़ा लेंदी होता है, तो मैथ्स का एक सम 2 मार्क्स का होता है, बायो में कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, बायो थ्योरी होती है, तो उसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, ठीक है। इसलिए मैथ्स में क्वेश्चन कम होते हैं, मार्क्स ज्यादा होते हैं, बायो में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 20 एमसीक्यू 11 स्टैंडर्ड से आते हैं 20 मार्क्स के लिए, और 80 एमसीक्यू 12 से आते हैं 80 मार्क्स के लिए, तो इस तरीके से आपका 200 मार्क्स का पेपर बनता है, ठीक है। ओके, अभी सिलेबस क्या है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। सबसे पहली बात, आपका फिजिक्स का 11 स्टैंडर्ड का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टोटल 8 चैप्टर्स आपको 11 स्टैंडर्ड के करने हैं, 12th का पूरा सिलेबस करना है। ये देखो, 12th स्टैंडर्ड का आपको पूरा सिलेबस करना है, 11th के कौन से चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं, मोशन इन अ प्लेन चैप्टर नंबर 3, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 4, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेमीकंडक्टर्स, ये फिजिक्स के 11th के चैप्टर्स आपको सीईटी के लिए अच्छे से पढ़ने हैं। केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स 11th स्टैंडर्ड से पढ़ने हैं, 12th का पूरा सिलेबस, ये 11th के चैप्टर्स हैं कि 11th में से कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। फिजिक्स के लिए ये 8 चैप्टर्स, केमिस्ट्री के कौन से 8 चैप्टर है, फर्स्ट, थर्ड, केमिकल बॉन्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री के पढ़ने हैं, ठीक है। मैथ्स में से 11 स्टैंडर्ड में से कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, मैथ्स 1 का ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, प्रोबेबिलिटी, ये मैथ्स 1 का 5 चैप्टर्स मैथ्स 1 के, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, 5 चैप्टर मैथ्स 2 के। तो टोटल 10 चैप्टर्स आपको 11th के मैथ्स से पढ़ने होते हैं, 9 चैप्टर आपको केमिस्ट्री के 11th से पढ़ने होते हैं, 8 चैप्टर्स फिजिक्स के पढ़ने होते हैं 11th स्टैंडर्ड से, ठीक है। बायो सबसे अच्छा है क्योंकि बायो में सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं 11th स्टैंडर्ड के। पहला बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 6, दूसरा रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर चैप्टर नंबर 13, तीसरा ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 14 और एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर नंबर 15। और ये चारों चैप्टर्स, सबसे अच्छी बात यह है कि ये चारों चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखे हैं, ये चारों चैप्टर्स अपने चैनल पे अवेलेबल हैं, ये सारे चैप्टर्स अजय सर ने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपलोड करके रखे हैं। तो आई होप कि हमारे जो 2024 के सीईटी के बच्चे हैं, अब उनका पूरा क्लैरिटी हो गया होगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि सीईटी के लिए कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं और क्या पढ़ना है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखो, और फिर भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करो, आपके सीनियर्स आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे, आई होप। सो 2024 के बच्चों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपके लिए हम बहुत सारी फ्री कंटेंट, फ्री चीजें लाने वाले हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनको सब्सक्राइब करने बोलना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, यस, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। टारगेट हमारा ये है 30 साल दिसंबर तक 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, आई विल सी यू वेरी सून, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।